दोस्तों नहीं मिल रहा था टीम इंडिया को पहला विकेट, फिर विराट की रणनीति ने बदल दिया पूरा मैच। सिराज को बोला ऐसे डाल गेंद और कप्तानी से कर दिया पहला विकेट डाउन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। पाकिस्तान और भारत के बीच आज वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है, जहाँ पर टीम इंडिया के पहले विकेट के लिए इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन इसके बाद विराट कोहली की शानदार कप्तानी ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। तो दोस्तों हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी विराट कोहली को इस बेहतरीन कप्तानी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों आज के इस महामुकाबले की बात करते हैं, यहाँ पर टॉस जीता टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया उन्होंने पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे अब्दुल्ला शफीक, तो उनके साथ थे इमाम उलक। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी शुरुआत से ही, और भारतीय टीम को पहली सफलता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ भारतीय टीम के गेंदबाज भी अब परेशान हो चुके थे, और दोनों बल्लेबाज आज एक से बढ़कर एक कमाल के शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे। तभी दोस्तों इस मुकाबले को पलटने के लिए आठवें ओवर में रोहित शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसके चलते यहां पर टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। तो दोस्तों आपको बता दें कि आठवें ओवर तक भारतीय टीम को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन आठवां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज, तो यहाँ पर विराट कोहली ने सिराज और रोहित के साथ मिलकर रणनीति बनाई, और इसके बाद अब्दुल्ला शफीक को ऐसी गेंदबाजी करने के लिए बोला विराट ने, और उनका पालन किया यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने, और मोहम्मद सिराज बिल्कुल यहाँ पर विराट कोहली की कप्तानी से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, तो उन्होंने यहाँ पर विराट के कहे अनुसार गेंद डाली, और साथ ही यहाँ पर रोहित और विराट ने फील्डिंग में भी पूरी तरह से चेंज किया और पूरी तरह से यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक के लिए यहाँ पर चक्रव्यूह रच दिया। इसके बाद दोस्तों आठवें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल की गेंद डाली यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने, और इस गेंद पर LBW आउट होकर पेवलियन लौटे अब्दुल्ला शफीक, यानी कि विराट और रोहित की रणनीति ने यहाँ पर पेवलियन भेज दिया अब्दुल्ला शफीक को, और मोहम्मद सिराज की गेंद ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। इस सफलता के लिए टीम इंडिया को इंतजार जरूर करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को पेवलियन भेज दिया जिन्होंने 24 गेंदों पर 20 रन बनाए। लेकिन विराट कोहली की इस कप्तानी को देखकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी यहाँ पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने आखिरकार कहा कि क्यों यहाँ पर विराट कोहली कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कप्तान तो रोहित शर्मा है। लेकिन इसके बाद दोस्तों सिराज के बाद टीम इंडिया को एक और सफलता दिलाई यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने भी। उन्होंने यहाँ पर ओपनर बल्लेबाज इमाम उलक को पेवलियन भेजा। हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर इमाम उलक को एक बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ले का किनारा लगा और गेंद के एल राहुल के दस्तानों पर गई, और टीम इंडिया को एक और सफलता मिली। यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने उन्हें पेवलियन भेजा। 38 गेंदों पर वो 36 रन बनाकर पेवलियन लौटे। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर भारतीय गेंदबाज वापसी करने में कामयाब रहे। तो आपको विराट और रोहित की ये कप्तानी और इनका मिला जुला तालमेल कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।